जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप जानते हैं आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। तो आइए सभी भक्तगण मेरे साथ शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की कथा का श्रवण करते हैं। कथा शुरू करने से पहले सभी भक्तगणों से मेरी एक विनती है, यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप भगवान में श्रद्धा भक्ति रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, 1 निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती थी वो 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। तो वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूँ मैं नहीं मान सकता, मेरी माँ मेरे से बहुत प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन के बाद त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बने। वह यह देखने के लिए कि क्या सच में माँ ऐसा ही करती है, वह सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला सा वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने आए तो वह देखता है माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा रखा है और नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। जब 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठा उठा कर एक लड्डू बनाया। झूठन छाप कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा तेरे 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। क्योंकि वह देख रहा था कि उसकी माँ उसके लिए झूठा इकट्ठा करके फिर उसकी थाली लगाई है, तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई, वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावें परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। तो पत्नी बोलती है, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपनी देखु धरू में धीर, सुधीमति हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोलती है, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी वहाँ के एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी, वो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वही करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में
सास का अत्याचार इधर इतना बढ़ गया था, उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर भी उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते थे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी की रोटी बनाकर उसको दे दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी तो वह देखती है रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां जाकर खड़ी होकर कथा सुनने लगी और वहां पूजा कर रही स्त्रियों से कहने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है और इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5 सवा 5 आने का ले सकती हो और बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना है। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, जब कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल कर देती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए और उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर और चने का साग बनाना है। 8 लड़कों को भोजन कराना है। जहाँ तक मिले अपने सगे संबंधियों देवर जेठ भाई बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता के व्रत का पूरा नियम करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो सबने कहा, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर वह औरत माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। 3 हो विनती करने लगी, माँ निपट अज्ञानी हूँ और व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ हे माता, जगत जननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। इस तरह से माता के आगे प्रार्थना करने लगी। संतोषी माता को दया आई। एक शुक्रवार बीत गया कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और 3रे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा उसकी पत्नी के पास आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे और उनके लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में माँ के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है माँ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, परंतु कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला,
मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है और तू उसकी सुध भी नहीं लेता। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता ही नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा और जमा माल भी बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और संतोषी माता के कहे अनुसार देखते देखते उसका सारा काम हो गया, सब खरीदारी हो गई, सौदा सब चीज़ उसकी जो 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 चमत्कारी माता ने संतोषी माता ने बताया था सब कुछ हो गया। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले और ये चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते पत्नी के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है तो लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती, वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल क्यों उड़ रही है। तो माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के तीन बोझ बना, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न से लकड़ियों के तीन गट्ठर बनाई और जैसे माता ने कहा वैसे मंदिर में नदी किनारे रख दिया। इतने में उसका पति आ पहुँचा, सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि वह यहीं पर विश्राम करे, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम कर उसके बाद गाँव गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से तीन आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, भोजन ग्रहण कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ भी नहीं करती और चार पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें हम रहेंगे। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमा कर वहाँ रहने लगा, उसके राजा जैसे ठाट बाट बन गए, बहुत सुख भोगने लगे। इतने में शुक्रवार आया, शुक्रवार के व्रत के उद्यापन में वह संतोषी माता का उद्यापन करने के लिए अपने पति से बोली, मुझे शुक्रवार के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है कर लो। उद्यापन की तैयारी करने लगी, जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई जरूर मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीम ने आए, वो पेट भर के खीर खाना खाया, परंतु बाद में कहते हैं हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, इसे देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। वह भोली भाली कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे उन पैसों से खरीद कर। यह देखकर बहू पर माता संतोषी ने कोप किया, राजा के दूत आकर उसके पति को पकड़ ले गए और जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे,
लूट लूट कर धन लाया था, अब मालूम पड़ेगा जब जेल जाएगा। बहू से सहन नहीं हुआ, वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, माता ये तुमने क्या किया, हंसा कर क्यों अब मुझे रुलाती हो। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब कभी भूल नहीं होगी माता, बतलाओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। और ऐसा ही हुआ, रास्ते में उसे उसका पति आता मिला। वह पूछती है, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है तो राजा को टैक्स देने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया, फिर से उसने शुक्रवार व्रत का उद्यापन किया। पति ने कहा, बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सबसे पहले ही खटाई मांगना। तो बच्चे गए और उन्होंने कहा, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, हमें खटाई खाने को दो। वो बोलती है, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ अन्यथा रहने दो। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माँ उसके व्रत के उद्यापन से अत्यधिक प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही नौवें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा, ये रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूँ। यह विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया, गुड़ सने से सना मुख, मुँह पर सूंड के समान होठ, मक्खियाँ भिन बना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, वो देखो कौन चुड़ैल आई है, ये डाकिन क्यों आ रही है यहाँ पे, लड़को इसको भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है, इतने में सास का क्रोध फट पड़ा, बोली क्या उतावली हुई है। बच्चे को भी पटक दिया, इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू जी मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। तो सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। और इस प्रकार माता प्रसन्न हुई, बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उनकी कथा या श्रवण करे उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो इस तरह से संतोषी माता के प्रभाव से उस अबला नारी को, निर्धन को किस तरह से उसकी सुख समृद्धि गृहस्थ जीवन में आई। मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से, जिस तरह से माता रानी ने उसे दिया वैसे सबको दे, जो भी भक्तगण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं सबकी झोली खुशियों से भर दे, सुख समृद्धि धन धान के भंडार भरे। जय माता दी।